अभी जो श्लोक मैंने यहाँ पर उद्धृत किया, जहां से मैंने आज का विषय प्रारंभ किया, वह भगवद गीता के 18वें अध्याय का 63वां श्लोक है। और सारी भगवद गीता रणभूमि में उसका जो कथन हुआ है, गायन हुआ है, वो रणभूमि में हुआ है। और जिस समय अर्जुन अपने कर्तव्य से विमूढ़ होकर के क्या करूं क्या नहीं करूं कि दुविधा में फंसा हुआ और रण से पलायन करने की बात कर रहा है, उस समय उसको फिर से रण में प्रवृत्त करने के लिए, युद्ध के लिए, उसके मन में प्रेरणा जगाने के लिए भगवान ने जो गाई वो भगवत गीता है। उद्देश्य स्पष्ट है, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध का निश्चय करके खड़ा हो जाओ, युद्ध कर। और यह 27 बार कहा है पूरी भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने, युद्ध कर युद्ध कर युद्ध कर, लेकिन अंतिम अध्याय में आकर के कह रहे यथेच्छसि तथा कर, जैसी इच्छा वैसे कर। कितनी अद्भुत बात है। और किसी विश्व के उपासना पद्धति में, संस्कृति में इतना स्वातंत्र किसी को नहीं दिया। विधि निषेध है, डूज एंड डोंट्स, हलाल और हराम, उसके बिना काम नहीं चलता, उसके बिना उनकी वो पूरी सत्ता नहीं बनी रहती। और यहां एक आदर्श गुरु अपने शिष्य को कह रहा है यथेच्छसि तथा कुरु, जैसा चाहिए वैसा कर, यद इच्छसि तथा कुरु, जैसी इच्छा है वैसे कर। लेकिन उससे पहले क्या कहा, उससे पहले कहा विमृशेदत अशेषेण, अशेषेण कुछ भी बाकी रखे बिना, शेष मत रखो, अशेषेण विमृशेतद, विमर्श कर लो, चर्चा कर लो, विचार कर लो, समझ लो, और जब आपकी दृष्टि स्पष्ट हो जाए तब यथेच्छसि तथा कुरु। और ये आज की लड़ाई वो है, और ये अंदर भी है और बाहर भी है। सारे विश्व में जो संघर्ष चल रहा है आज, भारत में जो संघर्ष चल रहा है, और ऐसे ऐसे अद्भुत युग संधि में हम सब लोग काम कर रहे हैं या जी रहे हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग केवल जी रहे हैं, लेकिन आज के बाद काम करने लगेंगे ऐसी अपेक्षा से बुलाया है। ऐसी युग संधि में काम कर रहे हैं जिस समय युग परिवर्तन हो रहा है, सामने होने जा रहा है, दिख रहा है परिवर्तन होता हुआ। जो लोग कभी भारतीय ज्ञान परंपरा की बात नहीं करते थे, वो आज भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं। जहां जहां खुदाई हो रही है वहां वहां शिवलिंग निकल रहा है, और उसके बाद में शाम को टीवी चैनल पे होने वाली आधी चर्चा है, आधे से अधिक चर्चा है शिवलिंग की ओर से हो रही है। सोशल मीडिया पर आने वाले मीम, क्या कहते हैं, मीम ही कहते हैं ना, मैं तो स्पेलिंग के अनुसार मेमे कहता था, फिर किसी युवा ने मेरे को ठीक किया, बोले नहीं उच्चारण या अंग्रेजी में संस्कृत जैसा नहीं होता, जो लिखा जाता वो बोला नहीं जाता, बेचारी भिखारी भाषा है ना, क्या करें, कम शब्द कम है उसके पास, तो ऐसा होता है, फिर उस कारण होता है ये। तो वो मीम आए, तो ज्यादातर मीम ये शिवलिंग के पक्ष के आए, हर हर महादेव वाले, मतलब ये बदल रहा है कि नहीं। आप जो युवा हो, आपको तो पिछले 5-7-10 साल से वही दिख रहा है, हम लोग उसका भरक देख पाते हैं। आज से 15 साल पहले, आज से 20 साल पहले जिन बातों पर बात ही नहीं कर सकते थे, आज लोग आकर के कह रहे हमको बताओ, हमको समझाओ। पहले भास्कराचार्य का नाम लेते थे, लोग कहते थे अरे ये तो सूडो साइंस है। आज सारा विश्व भास्कराचार्य को जानना चाहता है। आज परिवर्तन हो रहा है, आज समझना चाहते। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ऐसे ही नहीं हुआ, 193 देश 21 जून 2015 को, 193, हिंदी के आंकड़े नहीं समझ में आते ना नई पीढ़ी को, इसलिए अंग्रेजी में बता, मेरे को अंग्रेजी से कोई दुश्मनी नहीं, मेरे को बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता हूं मैं, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। 193 देशों में करोड़ों करोड़ लोग अपने अपने देश की मिट्टी पर सूर्य नमस्कार कर रहे थे, तब जो नाक रगड़ रहे थे तो भारत माता को ही वंदन कर रहे थे ना। तो 21 जून 2015 को जो परिवर्तन हुआ वो कैसे हुआ, इसलिए एक अद्भुत युग संधि में काम कर रहे हैं हम। आप देखिए युद्ध हो रहे,
यूक्रेन और रशिया लड़ रहा है और दोनों भारत से मदद मांग रहे, कब हुआ ऐसा? जो वृद्ध लोग बैठे वो बताइए, स्वतंत्रता के बाद से ऐसा कभी हुआ हो तो? हमारे प्रधानमंत्री यूरोप में जाते हैं, उन देशों में जा नहीं रहे, उन देशों के राष्ट्राध्यक्ष बिन बुलाए मेहमान बन करके कोपेनहेगन में आकर के प्रधानमंत्री से मिल रहे। भारत विश्व के जियोपॉलिटिक्स के केंद्र में आ गया। ऐसे नहीं हुआ, इतने अनाम वीरों ने संघर्ष किया है जिनके नाम भी हम नहीं जानते, और वो केवल बंदूक वाला संघर्ष नहीं, उनके तो नाम शायद जानते भी है। भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु के तो नाम जानते हैं, लेकिन हम में से कितनों ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का लिखा हुआ स्वदेशी समाज पढ़ा, या उससे पहले हिंदू मेला लगाने वाले और उस देवघर के उस एक जिसका नाम भी लोगों को नहीं पता, उनके बारे में कौन जानता है? भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर और अद्भुत अनुसंधान करके पुस्तक लिखने वाले राधा कुमुद बैनर्जी को कौन जानता है? सत्येंद्रनाथ मुजुमदार स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास ऐसे रूप में लिख दिया कि उसको लिखते समय उनके लेखन से स्वतंत्र भारत के पुरोधा और कहें कि ये गड़बड़ है तो सरकार ने दिया हुआ कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिया सत्येंद्रनाथ मुजुमदार। पर एस एन मुजुमदार ने अपनी कलम को नहीं बेचा, अपनी लेखनी को नहीं बेचा, उसने कहा नहीं सरकार कहे कि वैसा नहीं लिखेंगे, जो सत्य है वो लिखेंगे। हम में से कितने लोग एस एन मुजुमदार की किताबें पढ़े? यदुनाथ सरकार को किसने जाना? के मुंशी के किए हुए संघर्ष को किसने जाना? ये लोग उस समय संघर्ष कर रहे थे जिस समय भारतीयता, भारतीय ज्ञान परंपरा का नाम लेने मात्र से और शासन से प्रताड़ित किया जाता था, और तब के मुंशी ने पूरा का पूरा भारतीय इतिहास का 10 खंडों में वास्तविक भारत का इतिहास समाज के सामने रखा। आर्यन इन्वेजन थ्योरी पर लेकर के इतना संघर्ष हुआ और उसके कारण आर्य बाहर से नहीं आए ये सारे विश्व में हम सिद्ध कर पाए, उसकी शुरुआत के मुंशी ने की। हाँ, उसकी उसका प्रारंभ तो विवेकानंद ने किया था। विवेकानंद की एक छोटी सी नोट है तमिल एंड आर्य, और उसमें स्वामी विवेकानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चुनौती दी थी आर्य बाहर से नहीं आए, और उनके बाद सबसे ज्यादा आर्य बाहर से नहीं आए इस बात पर उस समय जिस समय वो वेल एक्सेप्टेड थ्योरी थी और सारे लोग उसी को पढ़ते और पढ़ाते थे। उस समय उसका विरोध करने वाले और दूसरे महापुरुष कोई थे तो वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे जिन्होंने आर्य बाहर से नहीं आए इसका पूरा तर्क के साथ प्रतिपादन किया। आज मिशेल लेनिनो ने किताब लिखी इन्वेजन दैट नेवर वॉज, आज सारा विश्व कह रहा है पाकिस्तान में उत्खनन करने वाली और आर्कियोलॉजिस्ट नीलोफर शेख ने कहा कि जो कहता है कि आर्य बाहर से भारत में आए थे उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं, ये पाकिस्तानी आर्कियोलॉजिस्ट के शब्द है। ये 1998 में नीलोफर शेख अपने रिसर्च पेपर में लिखती है, किंतु यह 1998 आने के लिए जो संघर्ष हुआ उनके नाम क्या पता है? सीताराम गायल को किसने पढ़ा? रामस्वरूप जी को किसने पढ़ा? अरुण शौरी तो फिर भी भले ही विपरीत कारणों से वो खबरों में बने रहते हैं, लेकिन संघर्ष, वैचारिक संघर्ष की भूमिका रखने वाले ये लोग जो उस समय मुख्य धारा के साहित्यकारों से प्रताड़ित होते रहे और उन लोगों ने संघर्ष किया, जिस संघर्ष का प्रतिफल आज हम हमारे सामने देख रहे हैं और हमारी आंखों के सामने भारत माता फिर से एक बार जगत गुरु बन गई, यह दृश्य हम देख रहे हैं। मैं बन गई कह रहा हूं तो आपको आश्चर्य लग रहा है, अरे हमको तो पता ही नहीं, ब्रेकिंग न्यूज नहीं आई थी ना, लेकिन अभी बताया ना, डेट बताई मैंने किस दिन जगत गुरु बनी, 21 जून 2015 को जगत गुरु बन गई ना भारत माता, जब 171 देशों ने लिखा यूएन में जो प्रस्ताव रखा गया उस प्रस्ताव पे सिग्नेटरी 171 थे और 193 देशों में मनाया गया योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। बाद में जा गई और बाद में जा गई तो जो इस्लामिक कंट्रीज का एक संगठन है, उन संगठनों में 52 इस्लामिक देश है, उन 52 मुस्लिम देशों के संगठन में पाकिस्तान ने कहा हम भर्त्सना प्रस्ताव रखते हैं, इसको हम क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, इसके आलोचना करना, निंदा प्रस्ताव रखना चाहते हैं। जब उन्होंने निंदा प्रस्ताव रखने का प्रयत्न किया तो उस संस्था ने उनको मना कर दिया कि आपका प्रस्ताव नहीं रखा जाएगा। बाद में पता चला उस समय में
विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में बहुत सक्रिय था उससे पहले, तो मुझे बहुत सारे मेरे मित्र वहां पर थे, तो उनसे पता चला कि ऐसा क्यों हुआ, तो पता चला 52 में से 41 देशों में 41 आउट ऑफ 52 इस्लामिक कंट्रीज ने मूल प्रस्ताव के ऊपर प्रस्तावक के रूप में सिग्नेचर किए थे। अब वो निंदा कैसे करे? ये विजय की गाथा भारत की ये है जिसको हम युवाओं के सामने पता है क्या? नहीं तो ऐसे ही थोड़ी हो गया, ऐसे थोड़ी परिवर्तन हो गया, ऐसे थोड़ी दुनिया भारत की तरफ देखने लगी। उसके पीछे जो एक संघर्ष हुआ है वो वैचारिक संघर्ष है। वैचारिक संघर्ष को जीतने के कारण योग को प्रतिष्ठित कर पाए। अभी प्रवीण जी जो झोला लेकर के बैठे ना मेरे साथ में, अभी वो चप्पल उतारते समय मेरा ध्यान गया, वो एस व्यासा का झोला है, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान। ये डॉक्टर नागेंद्र और उनके सारे बेंगलोर में जो वैज्ञानिकों ने प्रयत्न करके सारे विश्व में तप के द्वारा, रिसर्च के द्वारा योग को एस्टेब्लिश किया, ये वैचारिक संघर्ष है जिसका प्रणिपात आज हो रहा है। रामदेव बाबा ने भी बहुत बड़ा काम किया, सबने इतने, श्री श्री रविशंकर सबका योगदान है, लेकिन मूल योगदान बिहार स्कूल ऑफ योग मुंगेर के स्वामी सत्यानंद जी और विवेकानंद केंद्र योग अनुसंधान जो बाद में एस व्यासा बना उसके नागेंद्र जी और शिवानंद आश्रम के शिवानंद जी, क्योंकि उन्होंने वैज्ञानिक आधार पर योग को आज की भाषा में समाज के सामने, विश्व के सामने, विश्व जिसको स्वीकार कर सकता है ऐसी भाषा में विश्व के सामने रखा है। इसलिए आज वास्तुशास्त्र के पीछे लोग पड़े हुए, सबसे महंगा यदि कोई इंटीरियर डेकोरेटर होता होगा तो वास्तुशास्त्री होता है आज। और आयुर्वेद को अब ज्यादा मान्यता है, विश्व का सबसे महंगा डॉक्टर आयुर्वेद का डॉक्टर है प्रवीण जी, नाम बताऊं, जिसका भाषण सुनने के लिए $600 का टिकट लेना पड़ता है, भाषण सुनने के लिए, नाड़ी परीक्षा के लिए तो क्या फीस लगती होगी भगवान जाने, उसका नाम है डॉक्टर दीपक चोपड़ा। आयुर्वेद के कारण पहले MBBS MD हुआ, बाद में उसको महेश योगी ने कहा इससे कुछ नहीं, ये स्व में स्थित करने वाला स्वास्थ्य नहीं है, स्वास्थ्य देखना है तो जाओ जाकर के आयुर्वेद सीखो, भारत में आके आयुर्वेद सीखा, उसके बाद दीपक चोपड़ा जिस ऊंचाई पर पहुंचे आज। आज ये विजय का पर्व है, अनेक अनाम वीरों ने, हजारों लाखों अनाम लोगों ने और संघर्ष किया, अपना जीवन गला दिया, चंदन के समान वह मिट गए, आज हमको उनके नाम भी नहीं पता, उन लोगों की सारी तपस्या, उनके स्वप्न जो रोज बोलते थे शाखा में खड़े होकर के और सामने दिखाई नहीं देता था कि कुछ होगा, और रोज रोज फिर भी बोलते थे विश्वास से, परम वैभवम ने तुम्हें तत् स्वराष्ट्रम, रोज बोलते थे और पता भी नहीं था, बोले होगा कि नहीं होगा पता नहीं था, दिख नहीं रहा था सामने, दूर दूर तक नहीं दिख रहा था, और ऐसे समय में भी लगातार तपस्या करने वाले हजारों सैकड़ों करोड़ों तपस्वियों की तपस्या फलीभूत होने के समय में हम बैठे, और वो वैचारिक संघर्ष पार किया, वो शारीरिक तप पार किया, इतने कष्ट से आज भी सह रहे, आज भी प्रतिदिन स्वयंसेवकों की हत्या होती है। अभी पिछले सप्ताह कश्मीर में राहुल भट्ट की हत्या हुई, उससे पहले कुछ दिन पहले अपने एक स्वयंसेवक की हत्या केरल में हुई, बंगाल का तो विभत्स स्वरूप हम सब ने देखा। शारीरिक भी संघर्ष, वैचारिक भी संघर्ष, यह सारा संघर्ष अपने अंदर, घर के अंदर, समाज में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने व्यवसाय के क्षेत्र में, सब जगह संघर्ष किया। मैं ऐसे जानता हूं कितने लोगों को जिनका करियर इस कारण से बर्बाद हो गया क्योंकि वो राष्ट्र की बात करते थे, उनकी PhD नहीं पूरी होने दी। हमारे भारतीय शिक्षण मंडल के जैसे अभी यहाँ संगठन मंत्री है विनोद जी, वैसे बंगाल में 5 वर्षों से जो कार्य कर रहे संगठन मंत्री के रूप में अंबाशंकर वाजपेयी, उन्होंने JNU से PhD की इंटरनेशनल रिलेशन में, उनकी PhD सबमिट नहीं होने दी जा रही थी। 2017 में इतने प्रयास करने के बाद उनकी PhD सबमिट हुई, जिस दिन PhD सबमिट हुई उसके दूसरे दिन पूर्णकालिक बन गया वो, और आज बंगाल में तपस्या करके भारतीय शिक्षण मंडल का काम खड़ा कर रहे हैं। ऐसे कितने लोगों का करियर बर्बाद हुआ केवल इस बात के कारण कि वो राष्ट्रवादी विचार के, हर क्षेत्र में, और मतलब छोटे मोटे लोग नहीं, हृदयनाथ मंगेशकर जैसे लोग, उनके आकाशवाणी पे उनके उस सागरा प्राण तरमरा गाने के कारण
उनको हमेशा के लिए बैन कर दिया था आकाशवाणी से। छोटी मोटी बात नहीं है, ये जो संघर्ष चला है वो इतना बड़ा संघर्ष चला है। आज इस संघर्ष का स्वरूप बदल गया है, जो आज का अपना विषय है। वो तो बदलेगा नहीं, वो तो संघर्ष करना ही पड़ेगा, वो भी चलेगा, वैचारिक संघर्ष भी चलेगा। वो हम करते आए और बड़े गर्व से करते आए, विवेकानंद ने वही तो किया, जाकर के क्रिश्चियन मिशनरियों के द्वारा आयोजित सर्व पंथ सभा में खड़े होकर के, फादर बेरोज उसके आयोजक थे, कोई सेक्युलर आयोजन नहीं था, वो सारे पंथों की समानता बताने के लिए आयोजन नहीं था। उसका ब्राउशर, उसका पत्रक उपलब्ध है, वो जो शिकागो की जिस सर्वपंथ सभा में स्वामी विवेकानंद का भाषण हुआ था, फादर बेरोज ने उसमें प्रस्तावना में लिखा था, विश्व में सर्वोत्तम पंथ ईसाई है यह सिद्ध करने के लिए सभी पंथों को हम बुला रहे, घोषित पर्पस था। और वहां जाकर के विवेकानंद ने 5 शब्दों में सारे विश्व को जीत लिया और सनातन धर्म की आत्मीयता से सारे पंथों को अपने और पीछे पागल कर दिया। दूसरे दिन अखबारों में और लिख करके आया कि जहां इतना उन्नत उपासना पद्धति और पंथ और संप्रदाय है, वहां पर हम अपने मिशनरी किस लिए भेज रहे हैं। डोनेशन मिलना बंद हो गया था अमेरिका में मिशनरियों को, उन्हीं लोगों के मध्य जाकर के वो शेर दहाड़ा था अपने हृदय की तपस्या के द्वारा। एक एक उदाहरण दे सकता हूं। ये सारे संघर्ष का परिपाक और फल प्राप्त होने के स्थिति में हम आए हैं। और उस समय संघर्ष किस बात का हो गया? उस समय संघर्ष हो गया नैरेटिव का, क्योंकि कालनेमी मुख्य धारा में आ गए, क्योंकि छद्म मायावी काम करने वाले मुख्य धारा में आ गए और सत्य को रोकने के लिए और जिस प्रकार की चर्चाएं प्रारंभ करने का एक षड्यंत्र, यह भी नया नहीं है। इसकी शुरुआत 1794 में हुई, जब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। 1794 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना ही इसलिए की, शब्द प्रयोग हुए हैं, वो पत्र पढ़िए आप, और उन पत्रों में विलियम जोन्स लिखता है कि हम इस प्रकार का नैरेटिव क्रिएट करना चाहते हैं कि ये लोग आत्मग्लानी से भर जाए। आपको अपनी परंपराओं पर अभिमान करने के स्थान पर आप अपनी परंपराओं के बारे में और ग्लानी से सोचने लगे, इसके लिए विषय समाज में झूठ पहुंचाने के लिए एक तंत्र का विकास किया गया। यानी वो तो द्वितीय महायुद्ध में जाकर के हिटलर के और प्रचार मंत्री गोबेल्स ने कहा था कि 100 बार एक झूठ बोलो तो वह सत्य हो जाता है, लेकिन उसका काम विलियम जोन्स ने शुरू किया। राजीव मल्होत्रा की पुस्तक पढ़ी है, बैटल फॉर संस्कृत, उसमें आपको विलियम जोन्स की सारी करतूत सामने दिखेगी। धर्मपाल जी को पढ़िए, सीताराम गोयल जी को पढ़िए, ये सारा का सारा एक विचित्र वातावरण निर्मित जिसमें सत्य को मुंह छिपाना पड़े, सत्य को ग्लानी में जीना पड़े, सत्य कुछ गलत मान करके चलता रहे, यह कार्य और अत्यंत व्यवस्थित तरीके से। इसलिए ब्रिटिश सत्ता ने जो भारत का नुकसान किया वो मानसिक दासता निर्माण की। इस्लाम का आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम से चला, 7वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम आया, लेकिन पता नहीं कैसे सिंध में दाहिर ने और उनकी बेटियों ने क्या ठोका होगा, उन आक्रांताओं को कैसे मार पड़ी होगी कि अगले 300 वर्षों तक कोई मुस्लिम आक्रांता भारत की तरफ मुंह खोल करके नहीं देखता है। उसका अगला आक्रमण 300 वर्षों के बाद होता है, 10वीं 11वीं शताब्दी में होता है, और रास प्रारंभ होता है जब बख्तियार खिलजी आता है और 12 घुड़सवारों को लेकर के आता है और नालंदा की पूरी के पूरे और विश्वविद्यालय को जला देता है, वहां के उन बौद्ध साधुओं की होली करता है, सामूहिक होली करता है, और उसके बाद से इस्लाम भारत में स्थिर होने का प्रारंभ शुरू होता है। किंतु पूरे अपने कार्यकाल में 151 वर्ष मुगलों का रहा, 1556 में हुमायूं स्थिर हुआ और 1707 में औरंगाबाद की कब्र अपन ने खोदी। यहां पर अपने संताजी धनाजी ने, अपनी ताराबाई ने खोदी ना, यहां जब उसकी कब्र खुद गई तो मुगलाई खत्म। केवल 151 वर्ष का इतिहास है मुगलों का। ये सारे सन आपने याद किए हैं, 7वीं 8वीं में याद किए हैं, लेकिन आपको यदि मैं पूछता कि मुगलों का राज भारत में कितने वर्ष रहा, तो टीवी डिबेट में ओएसी कल से परसों से चिल्ला चिल्ला के कर रहा है 700 वर्ष से। बता रहे कौन से 700 वर्ष है जो भारत पे राज किया तुमने?
मात्र 151 वर्ष उसके बाद तो बाजीराव पेशवा ने ऐसे दिखा दिया तुमको। ये असत्य हमारे दिमाग में, हमारे भी दिमाग में, हमारे राष्ट्रवादी विचारों के वक्ता कहते हजार वर्ष की गुलामी। अरे मैंने कहा गिन के दिखा दो, पूरे भारत पे, आज जो भारत है उसका ही नहीं, अखंड भारत को ले लो, पूरे अखंड भारत पे विदेशी शासन एक दिन के लिए भी नहीं रहा इतिहास में। कहीं ना कहीं हमारे स्वदेशी स्वधर्मी शासक बने रहे, लेकिन ये इतिहास ऐसा पढ़ाया नहीं हमको। हम तो मान करके चलते, हम भी बोलते भाषणों में हजार वर्ष की, अरे गिनाओ तो। मैंने सारे विदेशी शासकों के इतिहास के प्राध्यापक से गिनवा करके लिस्ट बनाई, 379 वर्ष विदेशी शासन रहा भारत पे सिर्फ, बाकी सारा हमारे लोगों का शासन रहा है, हमारे लोगों ने शासन किया। लेकिन ये इतिहास हमको पढ़ाया नहीं, इतिहास जानबूझ करके विकृत करके हमारे सामने रखा गया। इसलिए भारतीय शिक्षण मंडल का जो मूल काम है शिक्षा में भारतीयता लाना, जिसके लिए अभी संगठन गीत जो हमारा गाया विनोद जी ने यहाँ पर, उसके 5 कड़ियों में शिक्षण मंडल क्या काम करता है और क्या करना चाहता है, क्या लक्ष्य है, वो आपके सामने रखा। और आपके हृदय में वो ज्यादा अच्छी तरह से चला गया मेरे भाषण से, गीत कई बार ज्यादा असरकारी कर होते हैं। शिक्षा को फिर एक बार उस अपने विश्वगुरु के पद पर आसीन करने के लिए शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा की नीति, शिक्षा का कंटेंट, आशय, पाठ्य वस्तु और शिक्षा की पद्धति, चारों को भारत केंद्रित बनाने के लिए अनुसंधान, प्रबोधन, प्रशिक्षण, प्रकाशन और संगठन, ये 5 काम करना है ये शिक्षण मंडल का काम। इसलिए जब हम ये काम कर रहे थे तब हमको ध्यान में आया कि तपस्या इन सारे परिवर्तनों को, सत्य को सामने लाने के लिए करनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी कालिक पोती गई है कि अंदर की ज्योत अब दिखना बंद हो गई। इसलिए उस कालिक को तो साफ करना पड़ेगा, किंतु उसके साथ साथ जब हम इसके ऊपर 50 वर्षों से भारतीय शिक्षण मंडल काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर हमने पहला प्रारूप 1974 में बनाया, 1974 में राष्ट्रीय शिक्षण रूपरेखा नाम से 40 पेज की पुस्तिका भारतीय शिक्षण मंडल ने प्रकाशित की थी। उस पुस्तिका को यदि आज आप पढ़ेंगे तो अभी जो 66 पृष्ठों की राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें 40% तो कॉपी पेस्ट है, सीधे के सीधे जो हमने लिखा था वैसे के वैसे, क्योंकि वैज्ञानिकता से किया हुआ काम था। नीति के ऊपर भारतीय शिक्षण मंडल इतने वर्षों से काम कर रहा है, पाठ्यक्रम की पुस्तकों के ऊपर काम कर रहा है, एनसीईआरटी की कमिटीज में भारतीय शिक्षण मंडल को 1982 से बुलाया जा रहा है। राजीव गांधी की नई शिक्षा नीति के अंदर हमने योगदान दिया था, वोकेशनल स्कूल उस समय शुरू हुए थे, आपको ध्यान होगा वो भारतीय शिक्षण मंडल का काम था। ये सारे काम भारतीय शिक्षण मंडल इतने वर्षों से कर रहा था। रिसर्च का काम में कम थे तो हमने रिसर्च का काम अभी शुरू किया, रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन के नाम से, जिसके एमओयू की बात बताई 200 से अधिक यूनिवर्सिटीज के साथ। गुरुकुलों को फिर से संगठित करने के लिए काम शुरू किया 2016 से। लेकिन ध्यान आया कि सारे काम में सबसे बड़ी बाधा यदि कोई होगी तो वो सबसे बड़ी बाधा है वातावरण। वातावरण इतना नकारात्मक है कि हमको हमारी शक्ति का परिचय नहीं। मैंने अभी जो बातें बताई वो सारी अखबारों में आपने भी पढ़ी थी, सारे आपने व्हाट्सएप पर पढ़े थे, लेकिन फिर भी उन सारी बातों को जोड़ करके मैं कह रहा हूं कि भारत आज युग परिवर्तन के स्थान पर अत्यंत शक्ति की स्थिति में, ये भाव मन में था क्या? मन में तो भाव था अरे बाप रे कितनी कठिन लड़ाई है, ये स्थिति नहीं है, ये स्थिति निर्माण की गई है, वातावरण तैयार किया गया, वो लड़ाई है। नैरेटिव शब्द ही नकारात्मक शब्द है, उसका अनुवाद विमर्श नहीं हो सकता। करते हैं अपन लोग विमर्श, विमर्श हमेशा सत्य पर आधारित होता है और नैरेटिव हमेशा टूलकिट पर आधारित होता है, इसलिए वह सत्य होता है। सत्य को छुपाने के लिए झूठ को जब बढ़ा चढ़ा करके गोबेल्स के समान बताया जाता है उसको नैरेटिव कहते हैं। नैरेटिव कैन नेवर बी ट्रू, इसलिए हमको नैरेटिव क्रिएट नहीं करना है, हमको नैरेटिव तोड़ना है ताकि सत्य सामने आए। इसलिए हमारा काम सरल है, हमारे साथ में सत्य है, हमको झूठ बताना ही नहीं है, हमको झूठ का प्रचार नहीं करना है। नैरेटिव वालों को झूठ का प्रचार करना है, उनको फव्वारा सिद्ध करना है, बहुत कठिन काम है। पानी आएगा ही नहीं तो फव्वारा कैसे सिद्ध होगा? नैरेटिव, फव्वारे का नैरेटिव क्रिएट हुआ, इसको कहते हैं नैरेटिव। जो नहीं है उसके बारे में चर्चा शुरू कर दी और हम लोग भी फंस जाते हैं नैरेटिव में, हम उसका उत्तर देने लग जाते हैं। उत्तर काय को देना,
और उत्तर देना तो तर्क से देना, शक्ति के स्थान पर देना। और तब हमने 2017 में ऐसा सोचा कि भारतीय शिक्षण मंडल में ये तपस्या का, ये रिसर्च का, ये नए पाठ्यक्रम बनाने का ये काम तो चल रहा है और विजय की ओर जा रहा है, चिंता मत कीजिए। यूजीसी का इतिहास का पाठ्यक्रम बदल गया। अंडर ग्रेजुएट के पाठ्यक्रम में अब मुगलों का इतिहास 1/4 ऑफ ए यूनिट, 5 मार्क्स का प्रश्न रह गया मुगलों का इतिहास, क्योंकि वो पूरा कालखंड एक कर दिया नालंदा के बाद से लेकर तो, और अंग्रेजों के आने से पहले तक के कालखंड को इकट्ठा कर दिया। तो उसी में विजयनगर साम्राज्य भी आ गया, उसी में मराठा साम्राज्य भी आ गया, उसी में राजा रणजीत सिंह जी भी आ गए, और उन सबको एक एक यूनिट के अंदर एक एक प्रश्न दे करके मुगलों को एक प्रश्न छोड़ दिया। आप जाइए LOCF हिस्ट्री डाउनलोड कीजिए, यूजीसी की वेबसाइट से देख करके आपको आनंद होगा। पहले यूनिट का नाम है भारत बोध, फर्स्ट ईयर BA हिस्ट्री में पहला चैप्टर जो पढ़ाया जाएगा वो भारत बोध पर पढ़ाया जाएगा। अंग्रेजी के LOCF में लिखा है भारत बोध, नॉट आइडिया ऑफ इंडिया, भारत बोध। ये परिवर्तन हो गया, साइकोलॉजी का बदल दिया, साइकोलॉजी। और ये भारतीय शिक्षण मंडल का कई नाम नहीं है, हम काम करते नाम ही नहीं रहते चक्कर में। साइकोलॉजी का यूजीसी का पाठ्यक्रम उठा के देखिए, साइकोलॉजी के पाठ्यक्रम में कृष्ण सिखा रहे, साइकोलॉजी के पाठ्यक्रम में पतंजलि सिखा रहे, साइकोलॉजी के पाठ्यक्रम में मन के बारे में शंकराचार्य क्या लिखते हैं वो सिखा रहे, साइकोलॉजी के बारे में पाणिनि के महाभाष्य को अंडर ग्रेजुएट साइकोलॉजी के कोर्स में ला करके डाल दिया। ये काम तो चल ही रहा था, ये काम चल रहा है, अभी भी चलना है, अभी भी बहुत बाकी है, अभी बहुत करना है, बहुत। इतनी कालिख जमी हुई है 185 वर्ष की कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति शीर्षासन को ठीक करने के लिए आ गई, आधार मिल गया, किंतु उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में अभी बहुत बाधा है। अभी मोकाशी सर बात कर रहे थे, बहुत बाधा है, लेकिन वो बाधाएं दूर करेंगे, करके दिखाएंगे। अपने को तो जब अपने हाथ में कुछ नहीं था तब अपन ने इतना कर दिया, अब तो अपने हाथ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, अब डर काहे का। किंतु सबसे बड़ी लड़ाई अब वो हो गई जो पहले छोटी लड़ाई थी, नहीं थी ऐसी, नहीं थी, मैंने इसलिए कालनेमी का नाम लिया। जब संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी जा रहे थे तो बीच में कालनेमी आकर के खड़ा हुआ था, वो पहले से है। ये नैरेटिव की लड़ाई बहुत पहले से है, विचलित करने वाले लोग बहुत पहले से। भगवान कृष्ण को रणछोड़दास नाम उसी समय दिया था जरासंध और उनके सारे सोशल मीडिया वालों ने। 17 बार मथुरा पर जरासंध ने आक्रमण किया, और उसके बाद में जब कृष्ण ने देखा कि मेरे कारण मथुरा वासियों का विकास नहीं हो रहा है तो छोड़ करके और वो चले गए द्वारका, और वहां जाकर के खुद अपने पसीने से हल चला करके द्वारका बसाई। कितना बड़ा पराक्रम है, युद्ध में स्वयं कंस चाणूर को मार करके जीते हुए राज्य को उस कंस के पिता को सौंप करके स्वयं का राज्य स्थापित करने के लिए जाना, कितना बड़ा त्याग है। किंतु आज भी हम हिंदू उस कारण से गुजरात में उनको रणछोड़दास कहते हैं। ये होती है नैरेटिव की लड़ाई, ये जरासंध का क्रिएट किया हुआ नैरेटिव आज भी चल रहा है। बाबा रणछोड़दास, रणछोड़दास है या पराक्रम से नवनिर्माण करने वाले और युगदाता कृष्ण है। राम के साथ हुआ, हमारे यहां पाठ्यक्रम की पुस्तकों में इरावती कर्मे के पाठ हमने पढ़े, जिसमें हम वाली के वध के ऊपर, सीता के अग्नि परीक्षा के ऊपर प्रश्न चिन्ह, युधिष्ठिर और कुंती को लेकर के प्रश्न चिन्ह, विदुर और कुंती को, क्या क्या गंदगी परोसी गई। नैरेटिव की लड़ाई ये नैरेटिव, नैरेटिव की लड़ाई आज बड़ी हो गई, क्योंकि आज प्रत्येक के हाथ में माध्यम आ गए। पहले माध्यम कुछ लोगों के हाथ में थे, इसलिए माध्यम कुछ लोगों के हाथ में थे जो छपाई करनी पड़ती थी। छपाई के लिए प्रिंटिंग प्रेस, थॉमसन प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले भारत में अंग्रेजों ने स्थापित की। उस प्रिंटिंग प्रेस को स्थापना करने के पीछे का उद्देश्य लिखा है, आज भी लिखा है उस थॉमसन प्रेस के ट्रस्ट के डीड में, आज भी लिखा हुआ है, ताकि हम बाइबल का प्रसार भारत में कर सके। उसके लिए, बाइबल का प्रसार करने के लिए थॉमसन प्रेस भारत में आई थी। माध्यमों का प्रयोग भारत के विरुद्ध तब से किया था, किंतु हमने क्या किया, उसी प्रेस का उपयोग करके हमने
यंग इंडिया, हरिजन, अभिनव भारत, वंदे मातरम, मराठा, केसरी, कितने अखबार निकाल दिए हमारे सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, अंग्रेजों द्वारा दमन के लाई हुई उस प्रिंटिंग प्रेस को ही उनके ऊपर डाल दिया। मराठी में कादंबरी कहते हैं, हिंदी में उपन्यास कहते हैं, अंग्रेजी में नॉवेल कहते हैं। 19वीं शताब्दी से पहले यह प्रकार भारत के साहित्य में नहीं है। भारत के साहित्य में नाट्य है, भारत के साहित्य में काव्य है, भारत के साहित्य में सूत्र है, व्याख्या है और बहुत सारे ग्रंथ है। किंतु जिसको नॉवेल कहते हैं अंग्रेजी में, जिसको उपन्यास हिंदी में और कादंबरी मराठी में कहते हैं, वो भारत में श्रृंगार रस को प्रेरित करके अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए लाया गया, देवकी नंदन खत्री ने लिखा है। हिंदी के उपन्यासकार जो है चंद्रकांता संतति, इन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि उपन्यास यह प्रकार ही इसलिए लाया गया क्योंकि उसके द्वारा श्रृंगार रस विद्यार्थियों में पैदा हो, और वो अंग्रेजी जो पढ़ते हैं, उन्होंने मिल्स एंड बून्स वगैरह पढ़े होंगे, तो कैसे टीनेजर्स को बहकाने के लिए साहित्य का निर्माण होता है वो आपको पता होगा, और वो सहारा का सारा तंत्र इसलिए लाया गया था। हमने उसी का उपयोग करके बंकिम चंद्र की आनंद मठ लिख दी, भवानी मंदिर और आनंद मठ ने वंदे मातरम दिया और वंग भंग के आंदोलन को जन्म दिया। जो जो माध्यम हमको तोड़ने के लिए आए उसका उपयोग करके ही हमने जीत पाई है। ये भारत की सनातन संस्कृति का विजयशाली इतिहास है। आप देख लो, वो एलपी लॉन्ग वो जो आती थी डिश, जो हर इस पे चलती थी भोंगे के ऊपर, His Master's Voice और कुछ यूरोप की कंपनियां वही बनाती थी एलपी को। अंग्रेजों ने उस एलपी का उपयोग केवल अपना नैरेटिव प्रसारित करने के लिए किया था। स्वतंत्रता सेनानियों ने, सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे, राजबिहारी बोस जैसे लोगों ने जर्मनी में, फ्रांस में इस एलपी बनाने वाली कंपनियों के साथ में साठगांठ की और राष्ट्रीय विचारों को प्रसारित करने के लिए एलपी का उपयोग किया। अभी सीएजी के ऑफिस में एक ऑफिसर है, उनके पास में ऐसी 1800 एलपी का संग्रह है। तो राष्ट्रीय आंदोलन में ग्रामोफोन एलपी का योगदान, इसके ऊपर वो प्रेजेंटेशन देते हैं। रेडियो, हर बात, जो माध्यम हमको खत्म करने के लिए, हमने टीवी जब आया तब ऐसे लोगों ने कहा, अरे ये टीवी क्या करेगा, संस्कारों को खत्म कर देगा। किंतु आज की पीढ़ी को रामायण महाभारत टीवी के कारण ही पता है, और आज भी कोई भी चैनल ले लो, उस चैनल के ऊपर सर्वाधिक टीआरपी वाला जो कार्यक्रम होगा वो जय वीर हनुमान होगा, झांसी की रानी होगा, खंडोबा होगा, और क्या मतलब भारतीय संस्कृति का ही होगा। हम हर माध्यम को वो नैरेटिव के लिए लाते हैं, हम विमर्श करते हैं, वो नैरेटिव के लिए प्रसारित करते हैं। उसके बाद इंटरनेट आया, आज ओटीटी आए, आज इतने सारे प्लेटफॉर्म आए, सबको लग रहा है क्या होगा क्या होगा, और होता भी है, गलत काम भी होता है, तांडव भी होता है ओटीटी के ऊपर, नहीं ऐसा नहीं, किंतु उसी का उपयोग करके हम अपनी संस्कृति भी फैलाते हैं। आज ट्विटर और सोशल मीडिया ने हमने कम थोड़ी लड़ाई लड़ी है, आज तो सबके हाथ में आ गया, किंतु ये विचार की लड़ाई नहीं है, ये कथन की लड़ाई है, ये धारणा की लड़ाई है, धारणा को तोड़ने की लड़ाई है। तप इसमें भी करना पड़ेगा, सत्य का साथ लेकर के ही ये किया जा सकता है, झूठ से झूठ को नहीं काटा जा सकता, गड़बड़ हो जाती है। बहुत सारे अपने राष्ट्रवादी वक्ता है, बोलते हैं कि संविधान में 30A नाम का आर्टिकल है जो कहता है भगवद गीता नहीं सिखा सकते। अरे नहीं है भाई ऐसा कोई आर्टिकल, संविधान में कोई आर्टिकल रामायण महाभारत सिखाने से नहीं रोकता है। भारत का संविधान उसकी मूल प्रति में रामायण महाभारत भगवद गीता भगवान बुद्ध सबकी फोटोएं हैं, तस्वीरें हैं, वह संविधान का अंग है। उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट होकर के कौन से चित्र जाएंगे किस चैप्टर से पहले, यह तय हुआ। नंदलाल बोस को उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और उन्होंने बनाए वो चित्र। हमारे पुराने प्रचारक लक्ष्मीकांत जी भाला ने उसके ऊपर बहुत सुंदर किताब निकाली संविधान के चित्रों के ऊपर। इसका संविधान बिल्कुल भी भारत विरोधी नहीं है, संविधान बिल्कुल भी सनातन धर्म का विरोधी नहीं है। मैंने लॉ किया है, एलएलबी किया है, यहां बैठे होंगे वकील, वो मेरे, मैं उनको चुनौती देता हूं, संविधान का एक भी कंडिका, एक भी आर्टिकल हमारे विरुद्ध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में नैरेटिव क्रिएट करके, हाई कोर्ट में नैरेटिव क्रिएट करके उन धाराओं की, उन कंडिकाओं की गलत व्याख्याएं करवाई गई,
1984 में भारतीय शिक्षण मंडल के और एक कार्यक्रम में दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का और लखनऊ में भाषण हुआ, जिसकी पुस्तिका निकाली, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों की संवैधानिक स्थिति, और उन्होंने कोर्ट के केस लॉ को देते हुए दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का इतना सुंदर 1984 में दिया गया भाषण है, उसमें अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों की संवैधानिक स्थिति क्या है, ये उन्होंने बहुत सुंदर प्रस्तुत किया। हम उसको पुनः प्रकाशित करने जा रहे थे, तो उसके लिए हमने अपने कार्यकर्ताओं को, कुमार बैठा है, कुमार दिवाकर को ही काम दिया था कि 84 के बाद के केस लॉ ढूंढ करके निकालो। अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का केस चल रहा है, जामिया मिल्लिया का केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उसके अल्पसंख्यक संस्थान होने को चुनौती दी गई। उसके लिए तैयारी करने वाले वकीलों से बात की, अभी वो पूरी पुस्तक निकालने वाले, उसके आगे के केस लॉ लेकर के आए, तब हमको पता चला कि आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 का इतना गलत इंटरप्रिटेशन कोर्ट ने किया। क्यों किया? नैरेटिव के कारण किया, सेक्युलर का गलत नैरेटिव। और उसमें हम भी, जैसे मैंने कहा, 800 साल मुगलों का शासन, 1000 साल की गुलामी, हमारे बोलने से जैसे नैरेटिव जाता है, वैसे हम भी संविधान की गलत आलोचना करके उस नैरेटिव में बलि देते। इसलिए फिर पूरे के पूरे शिवलिंग के नैरेटिव में 1991 के कानून की बात करता है वही व्यक्ति जो सीएए के कानून का विरोध कर रहा था। यदि पार्लियामेंट में पास किए हुए कानून की आपको इतना महत्व है तो सीएए तो मानो। केवल अपनी सुविधा के लिए कानून की बात वो कर सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ते नहीं। हम छोटा सा गूगल करो ना भाई, आर्टिकल 30A ये डालो, आपको मिल जाएगा। आज तो सारा नेट पे उपलब्ध है। हमने तो तब लड़ाइयां लड़ी थी जब लाइब्रेरी में जाकर के धूल झाड़नी पड़ती थी किताबों पे से, ढूंढने पड़ते थे पुराने अखबार। अब तो सब आपको अपने archive.org में मिल जाएगा, और उसके बाद में भी हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे। इसके 2017 में भारतीय शिक्षण मंडल ने युवा आयाम की स्थापना की, जो यहां पर दिया है ना, आज का आयोजक भारतीय शिक्षण मंडल का युवा आयाम। यह युवा आयाम किसने, यह युवा आयाम का एक ही काम है, बौद्धिक योद्धाओं को तैयार करना, वैचारिक योद्धाओं को तैयार करना, इंटेलेक्चुअल वॉरियर्स को तैयार करना, जो पूरे रिसर्च के साथ सत्य को प्रतिपादित करेंगे, नैरेटिव को तोड़ेंगे, लॉजिक के साथ तोड़ेंगे। स्मृति ईरानी ने राज्यसभा में वो दुर्गा मावाला जेएनयू के केस के बारे में पढ़ा था, और बड़े जोर से पढ़ा था, और सब राज्यसभा में आंखों में आंसू आ गए थे। इतना गंदा पत्रक जेएनयू के लोगों ने मां दुर्गा के बारे में छापा था। 2010 की घटना है, तब मैं विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन का सेक्रेटरी था। उस केस में जो वसंत कुंज थाने में एफआईआर हुई है, वो एफआईआर उसी अंबाशंकर वाजपेयी की है जिसका नाम मैंने लिया था, जो हमारा संगठन मंत्री। अभी कल दिल्ली में फिर उसकी पेशी थी, वो वसंत कुंज थाने में गया था, क्योंकि अभी जो ये प्रोफेसर रतनलाल आया है ना कल परसों के नैरेटिव में, वो रतनलाल उस एफआईआर में एक्यूज है, वो उस समय भी था वो, और उस समय वो महिषासुर को लेकर के वो नैरेटिव में जाता था जेएनयू में गंगा ढाबे पर बैठ करके। वो जो अभी कश्मीर फाइल्स में आपने पल्लवी वाला जो रोल देखा, वो निवेदिता मेनन, वो पीछे वाले टेबल पे चाय पी रही थी, एक टेबल पे मैं अंबाशंकर हम लोग चाय पी रहे थे, अंबाशंकर ने मेरे को धीरे से कान में कहा कि वही निवेदिता मेनन है। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया। मैंने जोर से अंबाशंकर को कहा यार तूने फालतू एफआईआर की। अब अंबाशंकर सोचता है एफआईआर लिखवाई जिन्होंने वही कह रहे एफआईआर क्यों की, उसको समझ में नहीं आ रहा था। वो कह आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। अरे मैंने कहा फालतू एफआईआर की, हम इतने दिनों से कह रहे थे कि रामायण सत्य है, महाभारत सत्य है, पुराण सत्य है, और ये कम्युनिस्ट मानते नहीं थे। अब ये कह रहे हैं कि महिषासुर को मारने वाली और दुर्गा सत्य है, भले ही गलत मानते हो, गलत कहा हो, लेकिन सत्य है, इतिहास है, ये तो मान लिया। मैंने कहा निवेदिता मेनन जी का बहुत धन्यवाद दो, अब तो राम मंदिर बन के रहे। वो ऐसे लाल पीले होकर के उठ करके चले गए। उनको उनकी भाषा में जवाब देना पड़ता है। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते थे उनको किसी क्रिश्चियन पादरी के साथ उनका और लड़ाई हो गई। वो क्रिश्चियन पादरी ने कहा आपके 33 करोड़ देवता है, आप किसको प्रार्थना करोगे, मान लो आप डूब रहे हो और आपकी नौका डूब रही है, तो हम तो एक जीसस को बुलाएंगे, वो आकर के बचा लेगा। आप तो कृष्ण को बुलाओगे, तब तक वो कृष्ण आने लगेगा, तब तक कोई राम को बुला लेगा तो कृष्ण पीछे चला जाएगा, ऐसे। तो उन्होंने कहा कि अपने दयानंद सरस्वती ऊपर बैठे, वो नीचे किसी लोगों से बात कर रहा था, ये ऊपर के बर्थ पे लेटे थे। दयानंद सरस्वती भी उठ करके खड़े हो गए। वो वाले आर्य समाज वाले दयानंद सरस्वती नहीं, ये अभी जो अपने जिन्होंने स्वामी चिन्मयानंद जी के शिष्य दयानंद सरस्वती, जिन्होंने हिंदू धर्म आचार्य सभा की स्थापना की, वो दयानंद सरस्वती जी बताते थे। मैं उठ करके बैठ गया और मैंने उसको कहा अरे यार अभी प्रैक्टिकल कर लेते हैं, हम तेरे को उठा के ट्रेन से बाहर फेंक देते, देखते जीसस बचाने आता है कि नहीं आता।
तो उनके शिष्य ने बाद में पूछा, वो तो पादरी तो चुप हो गया, शिष्य ने बाद में पूछा, महाराज जी आप इतनी अतार्किक बात कैसे कर रहे थे, ये तो इलॉजिकल बात हुई। तो बोले वो कौन सी लॉजिकल कर रहा था। नैरेटिव को तोड़ना पड़ेगा, सत्य के आधार पर तोड़ना पड़ेगा, रिसर्च के आधार पर तोड़ना पड़ेगा, तप के आधार पर तोड़ना पड़ेगा, जागरूक होकर के, सतर्क होकर के तोड़ना पड़ेगा, तर्क के द्वारा तोड़ना पड़ेगा। और उसके लिए युवाओं को तैयार होना पड़ेगा, उसके लिए युवाओं को अपनी बुद्धि को सक्षम बनाना पड़ेगा। इसलिए युवाओं को अपने एक्सप्रेशन को, अपनी अभिव्यक्ति को व्यवस्थित करना पड़ेगा। अपना बोलना लॉजिकल होना चाहिए, सत्य पर आधारित होना चाहिए, और अपना लिखना अच्छा होना चाहिए। और उसके लिए युवा आयाम काम करता है। हम साप्ताहिक मंडलों के माध्यम से युवाओं को इस बात के लिए तैयार करते हैं। युवा तैयार होते हैं, वो तैयार होकर के, वो नरेंद्र मोदी जी रिलायंस वाले हॉस्पिटल के उद्घाटन में प्लास्टिक सर्जरी पे गणेश जी का उदाहरण दिया था। सारे मीडिया ने और सोशल मीडिया ने हो हल्ला मचाया और गलत गलत मीम बना दी। हमारे जो कार्यकर्ता, जो MBBS के कार्यकर्ता, एक नागनाथ यहां बैठा है, उनके दो चार साथी मेरे साथ बैठे थे। मैंने कहा यही समय है लेटेस्ट रिसर्च। हमने रिसर्च किया और रिसर्च करके हमने राइनोप्लास्टी के ऊपर रिसर्च किया, हेड ट्रांसप्लांट के ऊपर रिसर्च किया, और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर में प्लास्टिक सर्जरी का काम करने वाली डॉक्टर प्रभा यादव के 6 रिसर्च पेपर ढूंढ के निकाले, जिसमें उन्होंने गणेश का उदाहरण देकर के कैसे हेड ट्रांसप्लांट किया जाता है इसका वर्णन किया है, प्लास्टिक सर्जरी का, फाइन सर्जरी का। और फिर मैंने कहा वो ढूंढ करके ले आए कार्यकर्ता, देखो प्रभा यादव, मैंने कहा फिर गड़बड़ हो जाएगी, ये नैरेटिव ऐसा है ना, वो कहेंगे प्रभा यादव तो फिर हिंदू है, वो तो गणेश को मानती है। मैंने कहा इनका नैरेटिव तोड़ना है तो आगे चलना पड़ेगा। बोले कैसे करेंगे, मैंने कहा प्रभा यादव जी ने अपने रिसर्च पेपर में जो साइटेशन दिए, जो रेफरेंस दिए, उनको ढूंढो। और वो रेफरेंस लेकर के ढूंढ के बैठे, तो उसमें एक अमेरिकन ऑथर रॉबर्ट किंग का नाम मिला, जिसने गणेश के ऊपर पूरी किताब लिखी है, और उसमें एक पूरा चैप्टर हेड ट्रांसप्लांट के ऊपर है। हमने उसको लेकर के 2 रिसर्च पेपर प्रकाशित किए, सारा का सारा नैरेटिव बंद हो गया, नरेंद्र मोदी की आलोचना बंद हो गई। यह युवा आयाम का काम, लॉजिकली फैक्ट्स के साथ प्रूव करना कि यह संभव है, हेड ट्रांसप्लांट से प्लास्टिक सर्जरी सिद्ध। ये अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कह रही है, ऑस्ट्रेलियन एसोसिएशन, मेडिकल एसोसिएशन ने सुश्रुत का और मूर्ति लगाई है। हम नहीं मानते, वो लोग मानते। जब हमने 2003 में नटराज की मूर्ति सर्न लेबोरेटरी को दी, सर्न लेबोरेटरी, CERN सर्न लेबोरेटरी क्या है आप सर्च कर लेना, सर्च करके उनकी वेबसाइट जाओगे तो पहला ही वाक्य लिखाग रहेगा, यू आर हियर बिकॉज ऑफ अस, बिकॉज वी इन्वेंटेड वर्ल्ड वाइड वेब। सर्न लेबोरेटरी वो है जिन्होंने सबसे पहले इंटरनेट की खोज की पेंटागन के लिए, और वो इंटरनेट आगे चल करके इंटरनेट बना, वर्ल्ड वाइड वेब बना। वो सर्न लेबोरेटरी वो है जहां पर गॉड पार्टिकल वाला प्रयोग चल रहा है स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बॉर्डर के ऊपर। उस सन लेबोरेटरी पर हमारे अनिल काकोडकर जी जा करके और नटराज की मूर्ति का उद्घाटन करके आए। वहां नटराज की मूर्ति के लिए लिखा है, क्या लिखा है, डांस ऑफ शिवा, द कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा, आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस अबाउट वेयर वी केम, हमारी उत्पत्ति के बारे में जो प्रश्न है उनका उत्तर नटराज में है। ये सन लेबोरेटरी के वैज्ञानिक कह रहे, उसी नेट पे उपलब्ध है जिस नेट पे आप दिन भर रहते हो। हमारे UIM के साथियों ने खोज निकाला। मैं अभी सारे विश्वविद्यालयों को कहता रहता हूं कि सरस्वती की मूर्ति लगाओ, और उसके लिए उदाहरण क्या देता हूं, उसके लिए उदाहरण देता हूं जकार्ता यूनिवर्सिटी इंडोनेशिया। मैं तो जाता नहीं विदेश में, मैंने तो पासपोर्ट भी नहीं बनाया, भारत माता में जन्म कई जन्मों की पुण्य से मिला है, काय को छोड़ करके जाना है एक मिनट के लिए, पाप थोड़ी किया है जो एक मिनट के लिए भी छोड़ के जाएंगे। लेकिन जो लोग जाते हैं उन्होंने फोटो भेजे, आजकल तो नेट पे ही सब पता चल जाता है, जकार्ता यूनिवर्सिटी की फोटो देखिए जाकर के वेबसाइट पे, उसके जकार्ता यूनिवर्सिटी के फ्रंट में एंटर करते ही सरस्वती की मूर्ति है 16 फीट की, और वहां का मुसलमान वाइस चांसलर रोज सुबह सरस्वती की मूर्ति पे पुष्प डाल करके फिर जाकर के बैठता है, क्योंकि इंडोनेशिया वो देश है जिसमें सर्वाधिक मुसलमान जनसंख्या है, 35 करोड़ मुसलमान दुनिया के और किसी देश में नहीं है, इंडोनेशिया में। और उसी इंडोनेशिया ने उसी जकार्ता यूनिवर्सिटी के सरस्वती की मूर्ति की प्रतिकृति 2013 में अमेरिका को ओबामा को गिफ्ट दी। मेरे लैपटॉप के डेस्कटॉप पे वही मूर्ति लगा रखी है मैंने सरस्वती की,
और अभी आरएफ आरएफ का सुदर्शन तपोवन बन रहा है, वहां पर वही सरस्वती खड़ी होगी 16 फुट की। भोपाल में जब सार्थक एजुकेशन किया तब वो सरस्वती की मूर्ति बना करके हमने लगा दी, क्योंकि हम सारी दुनिया में कहते हैं जब 35 करोड़ मुसलमानों का देश सरस्वती की उपासना कर सकता है तो 1 अरब हिंदुओं के देश में सरस्वती की उपासना कैसे नहीं होगी। और जब आईजी इंटरव्यू में मैं ये बोल रहा था तो मंच पे एएमयू के तत्कालीन वाइस चांसलर नसीरुद्दीन शाह के बड़े भाई जनरल जफरुद्दीन शाह बैठे थे, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उस समय वाइस चांसलर थे। बाद में गेस्ट हाउस में चाय पीते समय आईजी इंटरव्यू के वाइस चांसलर जिन्होंने मुझे बुलाया था कट्टी मनी जी, उन्होंने जफरुद्दीन शाह को कहा आज मुकुल जी ने वो मूर्ति वाला बहुत अच्छा कहा, मैं तो लगाने वाला हूँ सरस्वती की मूर्ति। उन्होंने लगा भी दी अमरकंटक में मूर्ति सरस्वती। कम से कम 25-30 विश्वविद्यालय में सरस्वती की मूर्ति लग गई इस चिल्लाने से। जफरुद्दीन शाह मेरे को कहते हैं ये इंडोनेशिया वाला उदाहरण आपने अच्छा दिया, ये तो मैं एएमयू के बोर्ड में रखूंगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सरस्वती की मूर्ति लगाऊंगा। वो रहे नहीं, वाइस चांसलर रहे नहीं, उनका टेन्योर पूरा नहीं हुआ और करना कठिन ही था। मैंने उनको कहा अभी नहीं, अभी समय नहीं आया है, अभी उनके इतने पाप भरे नहीं है ना, एएमयू वालों के पाप ठीक हो जाए तब तो माँ सरस्वती जाएगी ना वहां पे। अभी बैठा तो और कोई आकर के तोड़ताड़ के चला जाए फिर अपने को लड़ाई लड़नी पड़े, ऐसा काम करे ही क्यों। पहले नैरेटिव तोड़ेंगे, उनको लेकर के आएंगे, लाइन पे लाएंगे और उनके हाथों से सरस्वती की मूर्ति की पूजा कराएंगे। इस विजय की आकांक्षा के साथ ये लड़ाई लड़नी है विमर्श की। ये लड़ाई डर करके नहीं लड़ी जा सकती। सामने 11 अक्षौहिणी सेना थी और पीछे 7 अक्षौहिणी सेना थी, 1.5 गुना अधिक कौरव सामने खड़े थे और तब भी कृष्ण ने अर्जुन को कहा यथेच्छसि तथा कुरु। यह विमर्श की ताकत है क्योंकि उसके पीछे सत्य होता है। 100-200 मावलों को लेकर के और दौलत खान के साथ में और किस किस के साथ में, सिद्धि जोहर के साथ में लड़ पड़ने वाले शिवाजी के मावला यहां पर हम बैठे हैं तो हम डरेंगे क्या। राज्याभिषेक से पहले शिवाजी ने रिसर्च करवा करके 26 पुस्तकें लिखवाई, हम में से कितनों को पता है। शिवाजी ने हिंदू पद पातशाही की स्थापना केवल सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ था जो 1947 में हुआ, शिवाजी की हिंदू पद पातशाही पूरे अर्थ में हिंदू थी। टैक्सेशन की क्या व्यवस्था थी रिसर्च हुआ, उसके ऊपर किताबें लिखी गई, उस आधार पर शिवाजी ने टैक्सेशन की व्यवस्था मुसलमानों की चौथ हटा करके अपनी महसूल व्यवस्था लगाई। मंत्रिमंडल कैसा होना चाहिए, क्या क्या खाते होंगे और उन खातों में क्या काम होगा रिसर्च हुआ और तब चाणक्य के अर्थशास्त्र में से अष्टामात्य की विधि शिवाजी ने स्वीकार की। पंचायत कैसे होगी, ग्राम पंचायत के अधिकार क्या होंगे, गांवों में किस प्रकार से समाज रहेगा, शिवाजी ने रिसर्च करवाया। 2 साल राज्याभिषेक की तैयारी हुई है। हम लोग सुनील चिंचोलकर उस किताबों को खोजते रहे, मैंने यहां भंडारकर में गोखले में सब जगह खोजा, वो किताबें उपलब्ध नहीं है। लिस्ट तो दे दी है, लिस्ट है हमारे पास लेकिन वो किताबें हमारे पास उपलब्ध नहीं। आज फिर से वो काम करने की आवश्यकता, इसलिए शिवाजी को याद करते हैं। बहुत हुए राजा जो विदेशियों से लड़े, जो आक्रांताओं से लड़े, लेकिन शिवाजी का अलग कुछ होगा। तो शिवाजी ने इस विमर्श को स्थापित किया, पुनर्स्थापित किया, इसलिए डॉक्टर हेडगेवार शाखा में शिवाजी की फोटो लगाते थे, क्योंकि शिवाजी हिंदवी साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक है, क्योंकि उन्होंने वैचारिक परिवर्तन के द्वारा व्यवस्था परिवर्तन किया। उस वैचारिक परिवर्तन से होने वाले व्यवस्था परिवर्तन का मुख्य आधार इस झूठ को तोड़ना है और जो काम भारतीय शिक्षण मंडल के युवा आयाम को करना है। बजरंग दल अपना काम करेगा, विद्यार्थी परिषद अपना काम करेगी, भारतीय जनता युवा मोर्चा का युवा मोर्चा अलग काम करेगा, संघ का जो महाविद्यालयीन विद्यार्थियों का काम है वो विद्यार्थियों के संगठन का काम करेगा। शिक्षण मंडल का काम वैचारिक कार्य है, इसलिए ऐसे ऋषि के समान तपस्या करके बौद्धिक योद्धा बनने के लिए जो तैयार है वो भारतीय शिक्षण मंडल के युवा आयाम में आए और विनोद जी के पास अपना नाम लिखवाए, ताकि आप भी इस प्रकार रिसर्च करके अपनी बात को ठोक के ताल ठोक के दुनिया के सामने रख सके और भारत माता को फिर एक बार जगत गुरु के पद पर आसीन कर सके। ऐसा ये विमर्श का संघर्ष, नैरेटिव को तोड़ने वाला संघर्ष हमको अवश्य जीतना है, क्योंकि वही एकमात्र बाधा अभी बची है भारत माता को
विश्व गुरु के पद पर आसीन करने के लिए। बाकी सारे काम हो गए, अब मानेगी दुनिया तभी जब विमर्श स्थापित होगा। इसलिए वो विमर्श स्थापित करने के लिए युवा आयाम सन्नद्ध हो, युवा साथी उसके लिए तप करने को तैयार हो। इसी आह्वान के साथ अपनी वाणी को विराम। आगे में ये आ गया तो फिर आपको बुजुर्गों की क्लास में भेज देंगे। युवा हमारे जमाने की बात नहीं करता, जमाना बनाता है। इसलिए जो भविष्य की चिंता करता है, इसलिए पुलकित देशपांडे बताते थे कि जब वो किनके अपने धर्मशास्त्र का इतिहास लिखने वाले वो पीवी काणे, उनके जब मिलने गए तब उनकी आयु शायद 100 वर्ष की थी। और जब ये मिलने गए तो उन्होंने कहा कुछ लिख रहा हूँ, रुक जाओ। थोड़े देर रुकने के बाद जब पुलकित देशपांडे से उनकी बात हुई तब उन्होंने कहा कि अच्छा क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि ये महाभारत के ऊपर टीका लिख रहा हूँ और आगे ये 20 ग्रंथ और लिखने। तो पुलकित देशपांडे ने पूछा आयु क्या है, तो बोला अभी तो 100 ही है। तो 100 ईयर्स यंग नॉट ओल्ड, या अंग्रेजी वाले तो 12 ईयर ओल्ड ही होते हैं। मैंने कहा ना भाषा ही भिखारी है हमारे। तो अर्जुन की आयु क्या थी युद्ध के समय, महाभारत युद्ध के समय अर्जुन की आयु 120 वर्ष थी और भीष्म की आयु 186 वर्ष थी। इसलिए आपका स्वागत है। सचित का बहुत सुंदर प्रश्न है, ये नैरेटिव की लड़ाई में बताना मैं रह गया, ये बहुत बड़ी शब्दों की भी लड़ाई है, शब्दों की भी लड़ाई है, और उसमें हम फंस जाते हैं। बैटल ऑफ टर्मिनोलॉजी है। इसलिए हमने गुरुकुल प्रकल्प जब शुरू किया तो हम कहते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा पे अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद बहुत काम शुरू हो गए, तो मैं हर बात में ये बार बार कहता हूं कि भारतीय ज्ञान परंपरा या गुरुकुल प्राचीन नहीं है, सनातन है। प्राचीन शब्द ही नहीं प्रयोग करता। अंग्रेजी में मैं कहता हूं डोंट कॉल इट एंशंट नॉलेज सिस्टम, कॉल इट इटर्नल नॉलेज सिस्टम। और ये हमको साक्षात अनुभव हुआ। 2016 में हमने गुरुकुल प्रकल्प शुरू किया, हमने सोचा देश में 400-500 गुरुकुल होंगे, सूची बना लेंगे, जोड़ लेंगे, संगठन बन जाएगा। जब सूची बनाना शुरू किया तो पता चला 10,000 से अधिक गुरुकुल आज भी इस देश में काम कर रहे हैं। अभी हमारी केवल 4,000 की सूची बनी है 6 साल बाद। इसलिए गुरुकुल सनातन है, प्राचीन नहीं है, सार्वकालिक है, काला बाधित है। उसकी जो शिक्षण विधि है जिसको आजकल अंग्रेजी में पेडागॉजी कहते हैं, उसकी जो पेडागॉजी है वो सर्वाधिक शास्त्रीय साइंटिफिक पेडागॉजी है विश्व की। तैतरीय उपनिषद के शिक्षावली अनुवाद की टेक्सोनॉमी ये विश्व की सबसे वैज्ञानिक टेक्सोनॉमी है। हमारी गुलामी की दासता की मानसिकता के कारण हम अभी भी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी लेकर के बैठे। ब्लूम्स में तो 10% भी नहीं है तैतरीय, हमने अभी उसके ऊपर काम शुरू किया। इसलिए हम गुरुकुल प्रकल्प का हम ऐसा देखते हैं, गुरुकुल हमारे हमारा हमारा संकल्प है। और बाकायदा हाथ में जल लेकर के और वो विष्णु 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 करके अद्य श्री ब्रह्मणो अहनी द्वितीय परार्धे श्वेतवारा करते वगैरह वगैरह पूरा बोल करके संकल्प लिया गुरुकुल प्रकल्प के आचार्यों के साथ में कि सारे विश्व की मुख्य धारा की शिक्षा गुरुकुल शिक्षा को बनाएंगे। इसे हमारा गुरुकुलों के रिवाइवल का लक्ष्य है, IIT गुरुकुल बन जाए, नॉलेज IIT का, पैडागॉजी गुरुकुल की। नैरेटिव में शब्द इसलिए प्राचीन नहीं सनातन। दूसरा, नैरेटिव में खतरनाक है, रूपक बनाए जाते हैं, विजुअल्स क्रिएट किए जाते हैं। हमको गुरुकुल बोलते ही क्या विजुअल दिखता है, कुटिया झोपड़ी बनी हुई है और उसमें यज्ञ कुंड है और उसमें गेरुए कपड़े पहने हुए बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले गुरु बैठे। अरे भाई ऐसा नहीं था, वो सारे के सारे गुरु विवाहित थे, सन्यासी नहीं थे। ये बहुत गलत विजुअल क्रिएट किया गया गेरुए वस्त्र वाला। याज्ञवल्क्य की तो दो दो पत्नियां थी, एक कात्यायनी और एक मैत्रेयी, अत्रि की अनुसूया, अगस्त की लोपामुद्रा, और वो भी उतनी ही बड़ी ऋषि थी, जितने बड़े गौतम थे उतनी बड़ी अहिल्या थी। हर ऋषि की पत्नी भी उतनी बड़ी गुरु थी और गुरुकुल दोनों का मिलकर के कुल होता था, कुटुंब होता था, इसलिए गुरुकुल होता था। इसलिए गुरुकुल कोई ऐसे झोपड़ियों में नहीं होता था, जंगलों में नैमिषारण्य दंडकारण्य में थे वो, उस प्रकार के भी गुरुकुल थे, उनकी विषय वस्तु अलग थी। किंतु नालंदा की जब खुदाई हुई तो 8 मंजिला इमारतें थी
और हमारी वो टेक्नोलॉजी फिर से जागृत हो जाए और हृदय कलेश्वर जैसे 124 मंजिल के गोपुर हम बनाने लगे तो आधुनिक गुरुकुल 100-100 मंजिल वाले गुरुकुल होंगे भाई। तो गुरुकुलों का बात ये लोग थोड़ा भी झोपड़ी में जाएंगे, बैलगाड़ी युग में जाएंगे। हमारे तो सारे गुरुकुलों में भारतीय शिक्षण मंडल ने 46 गुरुकुलों को प्रेरणा दिया है जो समग्र गुरुकुल के रूप में खड़े है। वो वेद पाठ भी करते हैं, व्याकरण भी पढ़ते हैं और कंप्यूटर भी उतने ही बढ़िया ढंग से चलाते हैं। वो फिजिक्स आपसे अच्छा जानते हैं क्योंकि वो कनाथ के वैशेषिक से फिजिक्स पढ़ते हैं, उनके कंसेप्ट आपसे ज्यादा क्लियर है। ऐसे गुरुकुलों का निर्माण करना, इसलिए आज के युग में, कल के युग में नहीं, वो सनातन है। हर युग के अनुसार केवल युगानुकूल तरीके से उनको प्रस्तुत करने की वो काम हम करते हैं। और बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा ऋतुराज ने, मौलिकता का ही संकट है, दैट इज द ग्रेट अभारतीयता। सबसे बड़ी अभारतीयता हमने आ गई है कि हम नकलची बन गए। इससे अभी बैठक में मैं बता रहा था, गत वर्ष 2021 31 मार्च को जो वर्ष पूरा हुआ उस वर्ष में भारत में 40,000 पीएचडी अवार्ड की गई। कोरोना काल में 40,000 पीएचडी हुई भारत में, 1,000 विश्वविद्यालयों में 40,000 जहां पर पीएचडी होती है वहां कितने पेटेंट होने चाहिए, कितने नए कॉपीराइट होने चाहिए, कितने नए ज्ञान का सृजन होना चाहिए। किंतु इस मैकॉले की शिक्षा पद्धति के कारण हम सारे के सारे नकलची बन गए, क्योंकि ये पैडागोजी ही नकलचियों की पैडागोजी। इसलिए अष्टपुत्री जी क्षमा करें मुझे, किंतु लीलावती पाढ़े बनाना सिखाती है और हम पाढ़े रटना सिखा रहे हैं। भारत में मौलिकता महत्वपूर्ण थी। मैं चंदेरी एक जगह है जहां पर चंदेरी सिल्क की साड़ियां बनती है, वहां पर मैं गया था। वहां अभी उन लोगों के बीच में रात को आग जला करके चल रहे थे। मैंने कहा क्या हो रहा है, तो बोले आज इन लोगों को जो जो 12 साल के हमारे परिवार में बच्चे हुए उनके इनिशिएशन का कार्यक्रम, गीत गा रहे थे, नाच रहे थे। मैं बैठा बैठा देख रहा था, 90% मुसलमान हो गए, उसके बावजूद गणेश जी की पूजा कर रहे थे। ये रायसेन मध्य प्रदेश की बात बता रहा हूं मैं, और किसी पुराने युग की नहीं, अभी की बता रहा हूं मैं। मेरे पास राजस्थान का दायित्व, मेरे पास मध्य प्रदेश का दायित्व 2009 तक था। 21वीं शताब्दी में चंदेरी में मैंने आंखों से दृश्य देखा है, मुसलमान कारीगर चंदेरी सिल्क बनाने वाले गणेश जी की पूजा करके इनिशिएशन कर रहे थे 12 साल के बच्चे को। क्या करना पड़ता है, वहां पैटर्न बनता है, उस पैटर्न के मोल्ड बनते हैं और उससे वो साड़ियां बनती है। उस 12 साल के बच्चे को नया पैटर्न बनाने को कहते हैं। जो बच्चा किसी दूसरे पैटर्न की नकल करके पैटर्न बनाता है उसको मजदूर बनाते हैं, उसको मजदूर बना देते हैं। तू मजदूरी करेगा, रंग बनाएगा, रंगाएगा, वो धागा निकालेगा, जो मजदूरी के काम है। आया साया परम कर्म अभी बोला ना, उसके अंदर जो विद्या अन्या शिल्प नैपुण तुझा तू स्किल में जा, यू तुम्हारी विद्या मुक्त नहीं करेगी। किसको मूल आर्टिजन के रूप में, मूल उस विद्या के आगे बढ़ाने वाले के रूप में किसको दीक्षा दी जाती है, जो नया पैटर्न बनाता है, मौलिक रूप से कुछ नया निर्माण करता है। इसलिए ऋतुराज का प्रश्न अद्भुत प्रश्न है। भारत नव निर्माण की ही पूजा करने वाला देश रहा है, इस आधुनिक शिक्षा ने हमको नकलची बना दिया। इसलिए हम दूसरों की बातों को लेकर के विजय प्राप्त कर रहे हैं। बात बिल्कुल सही कही ऋतुराज ने कि हमको अपने बनाने चाहिए। इसलिए जब ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चालू हुआ तब हमने आरएफआरएफ की तरफ से एक प्रतियोगिता ली कि क्यों ये जूम और ये इस्तेमाल किए जाए। हमारे कॉलेज के युवाओं के लिए प्रतियोगिता की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ऐप बनाइए, और सीओईपी की टीम को प्रथम पुरस्कार मिला। उसमें उन्होंने एक ऐप बनाया। अब उसके आगे की सीढ़ी, आगे की मेहनत हम करते नहीं। ऐप तो बन गया, लेकिन उसके ऐप के कमर्शियलाइजेशन के लिए जो आगे जाकर के सारा करना है उसमें अड़ गए। 2 साल हो गए उसको आगे नहीं बढ़ पा। ये स्थिति हमारी, ऋतुराज के प्रश्न से मैं बिल्कुल सहमत हूं। और सच्ची भारतीयता तभी आएगी जब मौलिकता आएगी, और मौलिकता से कार्य करने की आवश्यकता है। यही काम हमारा सबसे बड़ा काम है, और भारतीय शिक्षण मंडल में हम इसी को बढ़ावा देते हैं, नए प्रयोगों को बढ़ावा देते हैं, हाथ पकड़ करके हैंड होल्डिंग करके आगे ले जाते हैं, नव सृजन की बात करते हैं। लोग सारे ग्रीन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, और सब जगह सोलर पैनल लग रहे हैं, और सोलर पैनल लग रहे हैं, और मैं पूछता हूं 15 साल बाद 20 साल बाद ये कितना बड़ा ई वेस्ट हो जाएगा, ये सिलिकॉन कहां जाएगा, ये प्लास्टिक कहां जाएगा। इसलिए आरएफआरएफ में हमने नई बात करना शुरू कर, हमने कहा फोटो वोल्टेक नहीं,
प्रकृति करती है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस से इलेक्ट्रिक जनरेशन करने के लिए हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। 6 जगह पर उस पर रिसर्च शुरू कर दिया, विश्व में नहीं और हम करेंगे नया काम। इसलिए नए काम की बात ऋतुराज ने कही उससे मैं पूर्ण सहमत हूं, वही सच्चे अर्थ में भारतीयता हो। धन्यवाद। आभार प्रदर्शन करने कुमार दिवाकर।